थे ना चक्कर मारने। तो ट्रिप से जब हम वापस आए तो रात का टाइम था ना, मतलब हम वापसी जब हमने की थी तो मैं घर जब पहुंचा तो 9-10 बजे के आसपास इस तरह थे ना। तो मेरी फैमिली जो थी तो पता नहीं किसी रिलेटिव में हमारी शादी थी तो वो सारे वहां पे जा रहे थे ना, तो मुझे भी इन्होंने कहा कि आओ जाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो अभी आया हूँ, इतना सफर मैंने किया है ना, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो मैं नहीं जा सकता, आप लोग चले जाओ, वैसे भी आप लोग 2-3 घंटों में वापस आ जाओगे ना तो मैं आराम कर देता हूँ। तो वो चले गए, मैं घर में अब अकेला। अब कोई ऐसा सीन नहीं था कि लाइक मुझे डर लग रहा हो या डरने का कोई ऐसा मतलब हॉन्टेड जगह हो ना, ऐसा नहीं था। बस आराम से मैं लेटा था कमरे में, मोबाइल मेरे साथ था, मैं यूट्यूब देख रहा था, आई थिंक कुछ प्रैंक्स वगैरह देख रहा था ना, रैंडम वीडियोस बंदा देखता नहीं है नॉर्मली, वैसे ही देख रहा था। लेकिन मैंने हैंड्स फ्री नहीं लगाई थी ना, मतलब आवाज तेज किया था, वैसे भी घर में कोई नहीं था। अब मैं देख रहा हूँ वीडियो फुल वॉल्यूम अप किया हुआ है मैंने, अचानक से मुझे कमरे में ऐसी आवाज आई है कि मतलब कोई तिलावत कर रहा है ना, वो ऐसी बस मुझे फील ऐसा हुआ है कि यार मुझे तो कोई आवाज सुनाई दे रही है। तो वो मैंने इग्नोर मारा, थोड़ी देर बाद दोबारा आवाज आई है, फिर वैसे ही आवाज बिल्कुल कि कोई तिलावत कर रहा है। तो फिर मुझे पता लगा कि भाई आवाज तो कमरे से ही आ रही है जिस कमरे में मैं हूँ, और घर में तो कोई भी नहीं है। तो मैं ऐसे बैठ गया ना, मैं लेटा हुआ था, मैं बैठ गया और वीडियो मैंने स्टॉप की, तब आवाज नहीं थी। फिर तकरीबन कुछ सेकंड बाद दोबारा आवाज शुरू हो गई, मतलब इस तरह आवाज थी कि कोई तिलावत कर रहा है, लेकिन तिलावत की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या तिलावत हो रही है ना, बस वो तिलावत का एक स्टाइल होता है ना कि औजु बिल्लाह, इस तरह का कुछ स्टाइल ना, लेकिन सिर्फ बंग बंग की आवाजें मुझे आ रही थी, तिलावत की आवाज नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज्यादा तेज आवाज थी। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे कमरे के दरमियान में स्पीकर लगाया हुआ है भाई, मेरा दिल गया पांव तक भाई, इतना डर गया था ना मैं, बिल्कुल फुल स्पीड से मैंने जैसे भागा हूँ ना, चप्पल भी मैंने छोड़ दिए थे, डायरेक्ट मैं भागा हूँ घर से बाहर निकला हूँ। तकरीबन 10-9:30 ऐसे बजे थे ना, तो मैं जब घर से बाहर निकला हूँ तो मेरे घर के साथ ही मेरे चाचू का घर है, तो उनका बैठक जो है ना वो खुला हुआ था, मेरे दोस्त वहां पे बैठे थे, तो फिर मैं वहां पे बैठ गया। तो फिर मैंने उनसे भी ये शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि भाई बस यहीं पे बैठ जाओ, फिर जब तुम्हारी फैमिली आ जाए वापस चले जाना। तो फिर जब मेरे अम्मी अब्बू आए बस, फिर मैं वापस।